अलका गुप्ता। सत्वाई आयुर्वेद की ओर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत ऋतु का क्या महत्व है और पंचकर्म क्या होते हैं और बसंत ऋतु में उन्हें क्यों करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के जन्म दिवस को बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती ज्ञान विद्या स्वर और बुद्धि की देवी माना जाता है। सभी प्रकार की कलाओं में और ज्ञान में उत्तमता प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत ऋतु ज्यादातर फूलों के खिलने की ऋतु है, पॉलन्स की ऋतु है, साथ में ये स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी ऋतु है। आयुर्वेद में बसंत ऋतु को सभी पंचकर्मों को करने के लिए श्रेष्ठ ऋतु बताया गया है। बसंत ऋतु को ऋतुओं में मुख्य माना गया है। बसंत ऋतु में सर्दी का प्रभाव खत्म हो रहा होता है और गर्मी शुरू हो रही होती है। ऐसे समय पर अगर आप पंचकर्म करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। विशेषतः बसंत ऋतु में लोगों को सर्दी जुकाम इन सब की प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि शरीर में कफ बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा भी सभी पंचकर्मों को करने के लिए बसंत ऋतु को श्रेष्ठ माना जाता है। पंचकर्म क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर आपके घर में कहीं थोड़ा बहुत गंदा पानी गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, उसे पोंछ देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में गंदा पानी भर जाए तो आप क्या करते हैं, तो आप उस पूरे पानी को घर से बाहर निकाल देते हैं, उसे साफ पानी से उस कमरे को धो देते हैं और उस पूरे गंदे पानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार अगर शरीर में कहीं थोड़े बहुत दोष होते हैं तो उनका शमन किया जाता है। इसका मतलब है कि औषधियों के द्वारा, दवाओं के द्वारा, खान पान में पथ्य परहेज के द्वारा उन दोषों को वहीं पर दबा दिया जाता है और उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज्यादा दोष बढ़े हुए होते हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि केवल औषधियों से, केवल पथ्य परहेज के द्वारा आप उन दोषों को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये दोषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही है शोधन यानी कि पंचकर्म। पंचकर्म के द्वारा शरीर में जहाँ कहीं भी दोष इकट्ठे होते हैं उन सभी दोषों को पिघलाया जाता है और शरीर के किसी भी मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। पंचकर्म का अर्थ है पांच कर्म, यानी कि ऐसे पांच शोधन कर्म जिसके द्वारा शरीर से दोषों को बाहर निकाला जाता है उन्हें पंचकर्म कहते हैं। पहला वमन। वमन का अर्थ होता है मेडिकेटेड एमिसिस। एमिसिस का मतलब है वॉमिटिंग, यानी जब औषधियों के द्वारा शरीर में जहां कहीं भी दोष जमा होते हैं उन्हें पेट में लाया जाता है और उल्टी के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो इसे कहते हैं वमन। वमन मुख्यतः कफ दोष के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्दी जुखाम खांसी या फिर श्वास के रोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा जिन्हें अम्ल पित्त होता है यानी कि खाने का पाचन नहीं होता है उनके लिए भी वमन ज्यादा लाभदायक है। दूसरा होता है विरेचन। विरेचन का अर्थ है मेडिकेटेड पर्गेशन, मतलब कि जब औषधियों के द्वारा आपको लूज मोशन या दस्त कराए जाते हैं तो उनको कहते हैं विरेचन। विरेचन के द्वारा पित्त दोष, यानी कि जब शरीर में गर्मी बहुत बड़ी हो, पित्त दोष बहुत बड़ा हो या फिर रक्त की दुष्टि हो, यानी कि त्वचा के रोग, बालों के रोग या फिर पचन से संबंधित परेशानियां हो, तो विरेचन बहुत लाभदायक होता है। तीसरा होता है वस्ति। वस्ति का अर्थ होता है मेडिकेटेड एनिमा। इसमें औषधियों के क्वाथ या फिर औषधीय गुणयुक्त तेलों को शरीर के अंदर गुदमार्ग से ही डाला जाता है, यानी कि जो मल द्वार होता है उसके द्वारा ही एनिमा की तरह से औषधियों को, औषधीय तेलों को और क्वाथ को डाला जाता है और कुछ समय पश्चात ये औषधियां, ये तेल शरीर से दोषों को अपने साथ लेकर मल त्याग के द्वारा बाहर निकल आते हैं। वस्ति का मुख्यतः प्रयोग वात रोगों में किया जाता है, जैसे कि जोड़ों के दर्द, शरीर दर्द या फिर पैरालिसिस या फिर नाड़ियों से संबंधित जो रोग होते हैं, जो भी वात के रोग होते हैं उनके लिए अधिक किया जाता है। लेकिन वस्ति को आयुर्वेद में चिकित्सा का आधा भाग कहा गया है, इस कारण से वस्ति बहुत सारे रोगों में लाभदायक होता है। चौथा नस्य। नस्य का अर्थ होता है नाक के द्वारा औषधीय घृत, औषधीय तेल, औषधियों के रस, क्वाथ या फिर औषधियों के चूर्ण को दिया जाता है तो इसे नस्य कहते हैं।
नस्य को कम मात्रा में यानी केवल 2 बूंद मात्रा में रोज करने की सलाह दी जाती है। इसे प्रतिमर्श नस्य भी कहते हैं, जिसमें नाक में रोज 2 बूंद तेल डालने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए तिल तेल, षडबिंदु तेल और गाय के घी यानी कि गोघृत को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। शिरो रोगों में जैसे कि सिर में दर्द, माइग्रेन, इसमें ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा आँख, नाक, कान और मुंह के रोगों में, गले के रोगों में भी नस्य को बहुत लाभदायक बताया गया है। पांचवा बताया गया है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण का अर्थ है ब्लड लेटिंग, यानी कि जब रक्त दूषित हो जाता है, जब ब्लड इम्प्योर हो जाता है, तो जिस स्थान पर इम्प्योर ब्लड जमा होता है वहां से इम्प्योर ब्लड को निकाल देना। अगर ये किसी एक स्थान पर होता है तो वहां से जलौका के द्वारा, कपिंग मेथड के द्वारा, प्रच्छन्न के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन अगर रक्त पूरे शरीर में दूषित हो तो रक्त मोक्षण के द्वारा चिकित्सा की जाती है। शरीर में जगह जगह फुंसी, फोड़े ये सारे हो रहे हो तब भी रक्त मोक्षण बहुत प्रभावकारी। सभी पंचकर्म करने के कुछ शास्त्रोक्त चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले रूक्षण, फिर पूर्व कर्म किए जाते हैं जिसमें कि स्नेहन यानी मसाज, स्वेदन यानी कि शरीर में पसीना लाने की प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसके बाद मुख्य कर्म यानी कि ये पंचकर्म किए जाते हैं, और उसके बाद पश्चात कर्म यानी कि क्या खाना चाहिए इन पंचकर्म के बाद, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे दिनचर्या और कैसे आहार विहार का पालन करना चाहिए, ये बताया जाता है। हर पंचकर्म और हर विधि हर किसी में नहीं की जा सकती है, इसलिए किस व्यक्ति में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किन औषधियों के साथ करना चाहिए, ये वैद्य रोगी की प्रकृति, विकृति, देश और काल के द्वारा निर्धारित करता है। इसलिए शरीर से दोषों को बाहर निकालने की पंचकर्म प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर का शुद्धि करें, अपने रोगों का निराकरण करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।